हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीक्रेट अलर्ट। और हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल होती है उसकी मोटर कैसे रिपेयर करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो मोटर हैं जिसमें वायर कट गई है और सेंसर भी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे कैसे हम रिपेयर करेंगे, कैसे सर्विस करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पास से वायर कटी हुई है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी मोटर वर्क नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आप वायर चेक करें कहाँ पे पास वायर चेक करनी है। जो मोटर का एक्सल होता है, जो हब का एक्सल होता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायर जो कटती है वो एक्सल के पास से कटती है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये वायर कटी हुई है। अब इस वायर को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो हम पता करेंगे कि वायर कहाँ से कटी है। अगर ये जहाँ से मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ एक्सल के पास से अगर वायर कटी है, तो इसको चेंज करने के लिए या वायर को रिपेयर करने के लिए या दूसरी वायर डालने के लिए आपको सबसे पहले ये मोटर को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर को खोलेंगे। जैसा कि ये मेरे पास एक खुली हुई मोटर पड़ी हुई है और इस मोटर के जो वायर है वो एक्सल के पास से कटी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर वो वायर निकाली हुई है। अब इसमें मैं दूसरी वायर डालूंगा और इस वायर को सोल्डिंग के थ्रू सोल्ड करूंगा या फिर इस पूरी वायर को ही सोल्ड करूंगा। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने एक्सेल के अंदर से ये वायर मोटर के अंदर डाल दी है और यहाँ पे जो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वायर दिख रही हैं आपको, ये जैसे ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन और वाइट, ये 6 वायर होती हैं, 6 कलर की वायर होती हैं और 3 फेस वायर होती हैं, ब्लू, ग्रीन और येलो। मोटी कलर की होती, मोटे टाइप में होती हैं जो कि फेस वायर होती हैं, और ये जो पतली वायर हैं ये हॉल सेंसर वायर होती हैं। तो किसी मोटर में 5 होती हैं और किसी मोटर में 6 होती हैं, हालांकि वाइट वाली का उतना रोल नहीं रहता है, बाकी सारी मोटर्स का रहता है। तो ये व्हील है जिससे मैंने ये मोटर निकाली है। मोटर में एरर था, मोटर में जो एरर था वो मोटर एरर था, मतलब वायर कटी हुई थी। मैंने चेक किया तो वायर कटी हुई थी और सेंसर वर्क नहीं कर रहा था। तो दोनों चीज़ें मैं चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा ये मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले ये वायर है, इस वायर को मैंने अंदर डाला हुआ है अपने एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर डालने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है ये कटी हुई वायर थी, और इस वायर को मैंने मोटर ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने ये वायर इस एक्सेल के अंदर डाली, नीचे से निकाला और फिर उसको जहाँ पे जो वायर टच थी, मतलब ग्रीन में ग्रीन, ब्लू में ब्लू, येलो में येलो, वाइट में वाइट, रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, तो यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दी। अब दूसरा, जैसा कि ये मैंने सोल्डिंग कर दी है और मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने साइकिल में लगाकर, तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट चल रही है। 1, 2, 3 मोड है मेरे साइकिल में और उन मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटर परफेक्टली वर्क कर रही है। इसका मतलब हमारा जो हमने जो चेंज किया वायर वो सक्सेस था, परफेक्ट था। जो कटी वायर थी उसको हमने चेंज किया, रिप्लेस किया, रिपेयर किया, वो सक्सेस हो गया। अब मैं यहाँ पर चला कर चेक कर रहा हूँ व्हील में लगा कर, लोड देकर, तो भी ये परफेक्ट चल रही है। सो गाइज, अगर आपके पास कोई भी ऐसा इशू आता है जिसमें आपकी मोटर वर्क नहीं करती है, तो सबसे पहले आप वायर चेक करें। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझे बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस।